नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के कट ऑफ के बारे में, जो केवल ओनली और ओनली फीमेल कैंडिडेटों के लिए मान्य होगा। यानी कि इतने नंबर यदि फीमेल कैंडिडेट के आते हैं तो उनका सिलेक्शन यानी कि फिजिकल के लिए कन्फर्म माना जाएगा, ठीक है। फिजिकल के लिए फाइनल सिलेक्शन फाइनल कन्फर्म नहीं माना जाएगा, केवल और केवल फिजिकल के लिए यह कट ऑफ जारी किया है, बनाया गया है। दोस्तों, यह जो कट ऑफ हम आपके लिए बताने वाले हैं दोस्तों, यह एक अनुमानित कट ऑफ रहेगा, ना कि 100%। दोस्तों, 100% कट ऑफ नहीं रहता, यह कोई भी नहीं बना सकता, ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों पोस्टें कितनी थी, ठीक है। तो दोस्तों, पोस्टें की बात करें तो दोस्तों पोस्टें लगभग 41,500 पोस्टें यहाँ पर थी, जो कि टोटल पोस्टें थी, जिसमें से यहाँ पर लगभग दोस्तों आधी पोस्टें यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 22,500 पोस्टों के समथिंग अलग से पोस्टें थी, जिनमें ओनली फीमेल कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। बाकी जो पोस्टें थी यहाँ पर लगभग लगभग 18-19 हज़ार पोस्टें, जिसमें महिला भाग नहीं ले सकती, ठीक है। यह दोस्तों यह यूपी पुलिस का एक अलग से फंडा रहता है, ठीक है। यहाँ पर और कहीं की या एमपी या बिहार राज्यों में ऐसा नहीं होता, इसमें अलग से दो पद निकलते हैं। एक पोस्ट पर होती है, देखिए फर्स्ट पोस्ट होती है जो दोस्तों उसमें फीमेल और मेल कैंडिडेट दोनों फॉर्म भर सकते हैं, और एक दूसरी पोस्ट होती है दोस्तों उसमें केवल और केवल पुरुष ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से दोस्तों इसमें लगभग 20,000-22,000 पोस्टें थी जिनमें फीमेल भाग ले सकती। दोस्तों 20,000 का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कि फीमेल कैंडिडेट का कोटा कितना रहता है। दोस्तों, जो भी वैकेंसी यहाँ निकलती है उसका लगभग 20% उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए आरक्षण होता है। कितना? 20% का आरक्षण है महिलाओं के लिए। अब मान के चलते हैं दोस्तों, जैसे 22,000 पोस्ट यहाँ पर निकली है, इसका आप 20% निकालोगे तो दोस्तों 4,044,400 यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। 4,400 पोस्ट हैं यहाँ दोस्तों महिलाओं के लिए हैं, ओनली ओनली फीमेल कैंडिडेटों के लिए रहेंगी 4,400 पोस्टें, ठीक है। इसके साथ दोस्तों यदि पोस्टें 4,400 हैं तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म भरे जाते, बहुत सारे फॉर्म भरे हुए हैं यहाँ पर। दोस्तों, जो भी यहाँ पर कैंडिडेट होते हैं उनका हाई लिस्ट तो नहीं जा पाते, लेकिन थोड़ी लो भी नहीं जाती। दोस्तों, फीमेल की बात करें यहाँ पर, दोस्तों फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर आप यदि परीक्षा देने गए हो तो आपका जो कि क्वेश्चन आता है कितने दोस्तों, 150 नंबर का यहाँ पर पेपर आता है और 300 मार्क्स पेपर के रहते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन बराबर होता है 2 मार्क्स, ठीक है, एक क्वेश्चन बराबर 2 मार्क्स होता है। तो दोस्तों इसके हिसाब से यदि आपने इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 की, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो दोस्तों सभी ने यहाँ पर तुक्का तो नहीं लगाए होंगे कि 150 ही अटेम्प्ट कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों लगभग सभी के यहाँ पर 120 या 115 120 या 130 से लगभग यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। लगभग 20 क्वेश्चन तो दोस्तों सभी ने छोड़ दिए होंगे, ठीक है। लगभग यदि 130 क्वेश्चन ही आपने अटेंड किए हैं दोस्तों, तो इसमें से आपके यदि 20 क्वेश्चन में गलत हो जाते हैं तो उसमें कुछ माइनस मार्किंग हो जाती है, जिसके कारण से आपके नंबर कम हो जाते हैं, ठीक है। दोस्तों दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं कि आखिर कट ऑफ जाएगा कितना। दोस्तों यहाँ पर फीमेल कैंडिडेटों की बात करें तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट कट ऑफ की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कट ऑफ होने वाला है, यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों जनरल वालों का। दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ होने वाला है कितना, 165 से 170 के समथिंग इसका कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। 165 से 170 के समथिंग जाने वाला है जनरल फीमेल का कैंडिडेट। वहीं ओबीसी की बात करें दोस्तों, ओबीसी का जाएगा 160 से 165 के समथिंग जाएगा। और वहीं एससी और एसटी की बात करें दोस्तों, उनका जाने वाला है मतलब यहीं पर 155 या 160 के समथिंग इनका जो है कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहा रहेगा, ठीक है। दोस्तों जो यहाँ कट ऑफ में आपके लिए बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल 100% नहीं, ओनली अनुमानित है, ठीक है। यदि जनरल फीमेल का कैंडिडेट यहाँ पर 160 प्लस नंबर आते हैं तो उनके लिए दौड़ने या फिजिकल के लिए मौका मिल सकता है। वहीं ओबीसी की बात करें दोस्तों, ओबीसी की यहाँ 160 या 155 के समथिंग आते हैं, लगभग सेम ही जाएगा यहाँ पर भी ओबीसी करके, ओबीसी और जनरल के लिए जाना फर्क नहीं होता है। एसटी और एसटी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर यदि आपके 150 या 150 प्लस जाते हैं तो इनके लिए फिजिकल देने का मौका अवश्य मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों
यह जो मैंने कट ऑफ बताया फाइनल कट ऑफ, यदि आपको यह दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।